हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MLM राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, ज़बरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के कुछ टिप्स के बारे में, फिर से कि फ्यूचर ट्रेडिंग में किस तरीके से क्या प्रेडिक्शन किस तरीके से लगा सकते हैं। एक्चुअली देखो, प्रेडिक्शन लगाने के लिए तो हमें जाना होता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स यहाँ भी, मतलब जो बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी कुछ इंडिकेटर्स आप लगा के बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हो। सेकेंड, किस तरीके से बेनिफिट बनाए, और अगर आपका मतलब लिक्विडेट होने की मतलब कगार पे हो तो उसको कैसे बचाए, उस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने शिप को ओपन किया हुआ, तो शिप ग्राफ ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ग्राफ ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखिए, यहाँ पर ग्राफ हमारा ओपन हो के आ गया। अब यहाँ पर इंडिकेटर्स लगाने के लिए ये वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करते तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, देखिए ये वाले इंडिकेटर्स का, हाइट का, ड्राइंग का, मोर का, है नहीं। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू, लाइक ट्रेडिंग व्यू की तरह जिस तरीके से स्ट्रक्चर खुलता है वो स्ट्रक्चर इसने खोल के दिखा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप सभी तरीके की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देखिए 5 मिनट पे कर सकते हैं, या 5 मिनट, 15 मिनट का ऑप्शन भी यहाँ पर है। ये 15 मिनट का ऑप्शन हो गया, अभी 5 मिनट में अगर आप देखें तो ये 5 मिनट का ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पर आप चाहे तो दोस्तों ट्रेंड लाइन अगर आप लगाना चाहे तो देखिए ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए मैंने क्लिक किया, लेकिन यहाँ पर यह है कि इतनी बेस्ट नहीं लग पाएगी, मतलब इतना जो एक ट्रेडिंग व्यू में जितना ज़बरदस्त काम हो सकता है वो यहाँ पर इतना खास काम नहीं कर पाएगा हम, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इतना ज़्यादा फीचर्स नहीं है कि इसको हम बहुत ज़्यादा मूव कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन आपने लगा ली, ट्रेंड लाइन दूसरी आप लगाना चाहे तो यहाँ से भी इस तरीके से आप लगा के देख सकते हैं, लेकिन अब देखिए ये हटेगा नहीं, ये वाला जो है ना, यहाँ से मैं देखो अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऑप्शन यहाँ से हटेगा नहीं, तो जिस वजह से मुझे पता नहीं लगेगा कि ट्रेंड लाइन मुझे कहाँ लगानी है, तो यहाँ पर इस तरीके से पता नहीं चल पाता। तो ये देखिए, फिर भी मैंने ये लगाने की कोशिश की यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन मेन जो है वो उसके बारे में बात करता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये लगाया, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे जो एक मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इंडिकेटर्स का ऑप्शन क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है दोस्तों ये वाला MA वाला मूविंग एवरेज लाइन का, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने सेट की हुई है मूविंग एवरेज लाइन 50, 100 एंड 200, यहाँ पर मैंने सेट की हुई है ये, ठीक है। अब सेट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद देखिए यहाँ पर बैक साइड जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये हमें मूविंग एवरेज लाइन हमारी शो हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो येलो वाली है ये हमारी 50 मूविंग एवरेज लाइन है, जो हमारी पिंक वाली है ये है 100 वाली, और जो ब्लू वाली है वो है 200 वाली। अब यहाँ पर आप देखिए, मतलब आपको ग्राफ से ही पता लग जाता है कि मार्केट का क्या हाल होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मैं इसको छोटा छोटा करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो 200 मूविंग एवरेज लाइन है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से जो कैंडल्स आई है बिल्कुल क्लोज हुआ और नीचे की तरफ नज़र आता है 200 मूविंग जो एवरेज लाइन थी इसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जो 100 मूविंग एवरेज लाइन थी उसको भी इसने ब्रेक किया यहाँ पर, और उसके बाद क्या हुआ 50 मूविंग एवरेज लाइन को उसको भी यहाँ पर ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, हमें मार्केट जो है नीचे जाता नजर आया। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन लगाई है उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे है कि अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो प्राइस जो हमें जैसे 0.03 अभी जैसे 819 के समथिंग चल रहा है, तो अभी प्राइस यहाँ से अगर इसको ब्रेक मारता है तो प्राइस दोस्तों हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ तक, यानी कि 0.03 0400 से लेकर 500 तक प्राइस नज़र आ सकता है हमें जाता हुआ। लेकिन यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक मारता है ऊपर की तरफ जाता है ट्रेंड की तरफ, तो यहाँ पर ये 50 मूविंग एवरेज लाइन को अगर टच करता है दोस्तों, ये वाली जो यहाँ पर येलो वाली लाइन आ रही है, मैं दोबारा से दिखाता हूँ, ये वाली लाइन जो आ रही है यहाँ पे, ये वाली येलो वाली, सॉरी एक मिनट के, ये येलो वाली लाइन, यहाँ से अगर ये ऊपर जाता हो येलो लाइन को टच करके इसको ऊपर की तरफ नज़र आता तो प्राइस दोस्तों यहाँ पर 0.030 और ये 797 चल रहा है, सॉरी 31000 तक नज़र आ सकता है, और 0.03150 तक जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि ये जैसे क्रॉस करेगा 50 मूविंग एवरेज लाइन को, फिर ये यहाँ से कोशिश करेगा 100 मूविंग एवरेज लाइन तक पहुँचने के लिए, और यहाँ तक अगर जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइस जो है कहाँ जाएगा, 0.031095 के समथिंग प्राइस यहाँ से जा सकता है, ये देखिए यहाँ पर। अब दूसरा मैं कोई आपको और दूसरा एग्जाम्पल चलिए बाद में, यहाँ पर इसी तरीके से मैं जैसे TLM का चार्ट खोलता हूँ तो वहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं यहाँ पर एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ TLM, तो TLM मैंने लिखा तो TLM का प्राइस अभी चल रहा है 0.1722, तो TLM से कल भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने बनाया दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये जो है मूविंग एवरेज लाइन 200, 100 एंड 50, यहाँ पर 50 को क्रॉस किया था तो यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर अच्छा खासा जो डाउन थोड़ा सा हमें देखने के लिए मिला था। अभी प्राइस की यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बन रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे इसको
एक मिनट रुक गया, ये देखिए थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ से अगर ये देखिए ऊपर की तरफ नज़र आता है जाके, तो प्राइस हमें 0.1730 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। यानी कि जो ये वाली जो मूविंग एवरेज लाइन है 100 वाली, इसको ये क्रॉस करके अप ट्रेंड की तरफ जैसे नज़र आ रहा अभी, तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो 0.1730 से लेकर के 50 तक नज़र आ सकता है प्राइस। लेकिन अगर यहाँ से डाउन की तरफ आता तो प्राइस हमें 0.1710 से लेकर के 0.1650 तक नज़र आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कल की भी बात करूँ तो कल भी आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है 16.27 तक आया था। ये देखिए यहाँ पर आया था 0.1627, और अच्छा खासा कल प्रॉफिट, बहुत शानदार प्रॉफिट कल मेरे VIP ग्रुप में लोगों ने बनाया TLM में, जो मैंने सिग्नल दिया था। आप भी अगर VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 7078188 और 786। मेरा कोई भी टेलीग्राम ग्रुप या चैनल नहीं है, किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना आए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हो जाता है। अब दूसरी चीज़ आती है, जैसे चलिए मैं एक एंट्री लेकर आपको दिखाता हूँ। वैसे एंट्री अभी बन नहीं रही, लेकिन चलिए मैं फिर भी आपको एक एंट्री लेकर यहाँ पर दिखाता हूँ। थोड़ा सा कम एंट्री ले लेंगे हम, ताकि आपको थोड़ा समझाने की मतलब कोशिश करूँगा मैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लीजिए, मैंने एंट्री ले ली $40 की। यहाँ पर आप देखें जितनी एंट्री लेनी होती है वो यहाँ पर डॉलर हमारे यहाँ लिखे आ जाते हैं। अब ये देखिए कॉस्ट कितनी आ रही, $40 की, इतने TLM मुझे आ जाएगी। ठीक है, फंड मेरे पास इतना है समथिंग, मार्केट प्राइस ये चल रहा है। ठीक है, ये बाइंग प्राइस चल रहा है, ये सेलिंग प्राइस चल रहा है। यहाँ पर बाय का ऑप्शन होता है, ये सेल का ऑप्शन होता है, ये लिवरेज का ऑप्शन होता है, ये आइसोलेटेड का ऑप्शन है। तो हमने लिवरेज कम से कम रखनी है। चलिए मैं तो 10% रख के करता हूँ। तो यहाँ पर अब एग्जांपल लीजिए, मैंने ये जो है प्राइस इस पर मैंने बाय कर लिया, ये लीजिए मैंने बाय ले लिया इसको। अब यहाँ पर देखेंगे ये बाय हो चुका है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभी प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट जो प्राइस है वो है 0.1723। ठीक है, ये मार्केट प्राइस है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता तो मेरा जो वो है फंड है वो लिक्विडेट कितने प्राइस पर हो जाएगा, 0.1566 पर लिक्विडेट हो जाएगा। ये इसका ये ऑप्शन हो गया है नहीं। और अभी मेरी जो एंट्री है वो कितने पे थी, 0.1722, और मार्केट का प्राइस भी सेम ही चल रहा। तो यहाँ पर अगर करेक्शन आता है और यहाँ प्राइस चला जाता है तो क्या होगा, मेरा जो है लिक्विडेट होने के चांसेस हो जाएंगे। मतलब यहाँ से लिक्विडेट जल्दी हो जाएगा कि भाई ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कितना USDT लिया हमने, $40 का। कितने TLM आए, यहाँ पर ये लिखे हुए TLM इतने आए हुए हमारे पास, और ये प्राइस चल रहा है। रिस्क कितना है अभी देखिए, यहाँ पर 10% के समथिंग अभी रिस्क चल रहा है। अभी कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि प्राइस सेम ही चल रहा है लगभग लगभग अभी। अब देखिए थोड़ा सा अभी ये यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, $0.23 का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो जाती है दोस्तों, अब जैसे मान के चलिए मार्केट करेक्शन लेती है और प्राइस डाउन जाता है, तो मार्केट प्राइस डाउन जाएगा तो ये हमारे माइनस में जाने शुरू हो जाते हैं, ये माइनस में जाने शुरू हो जाते हैं, रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर दो चांसेस होते हैं आप इनको बचाने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस वाला ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए मैं बताऊँ, ये दो ऑप्शन आएगा ऊपर आपको, TPSL पोजिशन TPSL। तो इस पर क्लिक करिए पोजिशन TPSL वाले पे, तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है टेक प्रॉफिट वाला, ये होता है स्टॉप लॉस वाला। ये वो प्राइस है दोस्तों जहाँ पर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, और ये वो चीज़ है जहाँ पर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं चाह रहा हूँ कि 0.1740 पे जाए तो ये सेल हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0.1740 पे जाएगा तो कितना, $4.50 के समथिंग प्रॉफिट दे जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि 0.17 मैंने 22 पे एंट्री ली है, तो अगर 22 पे आ जाए तो मेरा सेल हो जाए। यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप 22 पे सेल हो जाए तो मुझे 0 फीस लगेगी, है नी, यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो अगर इतने प्राइस पाएगा तो ये सेल हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी स्टॉप वाला नहीं लगाता हूँ, क्योंकि अभी तो प्राइस ऊपर जाएगा इसका। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आप वो टारगेट सेट कर सकते हैं जहाँ पे आप स्टॉप करना चाहते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। पहली चीज़ तो ये, मतलब स्टॉप से बचने की, मतलब सॉरी लॉस से बचने के लिए पहली चीज़ तो ये स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं कंफर्म कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये आ गया मेरा टारगेट, तो 0.1740 पर जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, है नी। अभी प्राइस चल रहा है 1723 के समथिंग प्राइस चल रहा है। अब पहली चीज़ तो ये आ गई कि भाई पहली चीज़ तो ये है कि आप स्टॉप लॉस लगा के इसको बचा सकते हो। सेकंड चीज़ क्या होती है, एग्जाम्पल लीजिए मार्केट प्राइस आ गया यहाँ पे 1650। ठीक है, तो डाउन तो चल ही रहा अभी, तो लिक्विडेट हुआ नहीं आपका। तो आपने जैसे मैंने क्या किया, पार्ट में एंट्री ली थी, मैं चाहता था $1000 का ले सकता था, लेकिन नहीं। अब क्या करें, एग्जांपल लीजिए दोस्तों 1650 प्राइस आ गया, तो यहाँ पे आप क्या करें, एक एंट्री यहाँ पर भी ले लो। आप एग्जांपल लीजिए, आप जितनी भी आप लेना चाह रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले ली जितनी भी। ठीक है, अभी एंट्री आएगी नहीं, ये क्या होगा, पेंडिंग में चले जाएगा। ये देखिए पेंडिंग में आ गया यहाँ, क्योंकि ये प्राइस अभी चल नहीं रहा। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एग्जाम्पल लीजिए प्राइस ये वाला आ जाता है 0.1650, एंट्री हमने कितने ले रखी, 172 पे, लेकिन यहाँ पर हमने एक एंट्री और ले ली, तो यहाँ पर क्या होगा,
ये वाला एंट्री प्राइस हमारा कम हो जाएगा, यानी कि ये 0.1705 आ जाएगा या 1700 आ जाएगा, जिससे क्या होगा लिक्विडिटी के चांसेस भी कम हो जाएगी और हमारी एंट्री भी कम पे हो जाएगी और साथ में क्या होगा दोस्तों में प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे, लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सेकंड चीज़ ये होगी, पहली तो होगी स्टॉप लॉस, सेकंड होगी जब मार्केट डाउन जाए तो उसमें फिर से री एंट्री लेना दोबारा से पार्ट वाइज, मतलब आपने जब भी एंट्री लेनी पार्ट वाइज एंट्री लेनी है। अब उसके बाद एक ऑप्शन और आता जो कि है ये वाला मार्जिन एड वाला। अब आपको दिख रहा है दोस्तों कि नहीं यार मैं नीचे एंट्री नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मेरा जो फंड है वो लिक्विडिट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके आपने क्या किया हुआ यहाँ पर फंड डाला हुआ अच्छा खासा, आपके वॉलेट में अच्छा खासा फंड है नहीं, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि यार प्राइस जो डाउन जा रहा है मैं इसको बचा सकता हूँ। तो आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आपके पास $100 है तो मैक्सिमम सिर्फ $10 की ही ट्रेड आपने लेनी, $90 को बैकअप में रखना, मेरा ये मानना, बाकी इच्छा आपकी। $500 अगर आपके पास है तो आपने क्या करना उसमें से मैक्सिमम आप सिर्फ $50 से लेकर $70 की ट्रेड लीजिए दोस्तों, बाकी को बैकअप में रखिए, क्योंकि करेक्शन अगर आता है ना तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपने क्या करना इस पे जाएगी आप प्लस पे, प्लस पे क्लिक करने के बाद जैसे मेरा यहाँ पर इसने फंड दिखा दिया कि इतना फंड मेरे पास है, ठीक है, ये मेरी इसने एंट्री दिखा दी कि इतना USDT में मैंने एंट्री ली हुई है लिक्विडिट। अब एग्जांपल लीजिए मैं $50 एड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस जो है लिक्विडिट प्राइस मेरा कितना चले जाएगा 0.1350, यानी कि लॉस के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। अगर मैं 100 कर देता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों कितना 0.1133, यानी कि लॉस के चांसेस बनेंगे नहीं जिंदगी में कभी, जिंदगी में मतलब इन द सेंस कि हफ्ते दो हफ्ते में बनेंगे नहीं, क्योंकि इतना करेक्शन नहीं जाएगा, करेक्शन अगर जाएगा भी तो कहां तक जाएगा अगर जाता भी है करेक्शन तो कहां जाएगा 0.14 तक जा सकता है, 0.13 तक जा सकता है, 0.12 तक जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक 13 टच किया इसने, 13 से नीचे नहीं टच कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके मार्जिन वाली ऐड कर सकते हैं, अगर $200 ऐड कर दो तो आप समझिए देखिए कितना चलेगा, मतलब चांसेस ही नहीं कि इतना जाएगा कभी, देखिए 0.0700 चांसेस ही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हो जाता है। अब देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में, अभी मैंने एक्चुअली इसको करना नहीं था, ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मैंने क्लोज किया तो यहाँ पर देखिए ये मुझे प्रॉफिट हुआ, ये मेरे को फीस लगी तक, तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब 0.11 प्रॉफिट इसमें रहा लगभग। ये प्रॉफिट के चांसेस इस तरीके से आप बना सकते। अब जैसे मैं कल की ट्रेड आपको दिखाता हूँ, मैंने जो कल TLM का ट्रेड लिया था, ICP बहुत सारे ट्रेड मैंने कल लिए हैं, ये देखिए ये TLM का ट्रेड था मेरा, ये कल का ट्रेड था, तो जिसमें मैंने $83 का प्रॉफिट यहाँ पे बनाया था और सिर्फ ये एक घंटे के अंदर प्रॉफिट बना था, जो कि बड़े आसानी से बन गया था प्रॉफिट, क्योंकि अगर हमें नॉलेज है ना इसकी किस प्राइस कहाँ तक जाएगा कैसे जाएगा तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की आपको, एक तो स्टॉप लॉस, सेकेंड मार्केट डाउन जाने पे एक रेशियो में एंट्री आप ले सकते हैं, थर्ड मार्जिन ऐड करके आप उसमें अपने लिक्विडिटी को बचा सकते हैं, उसके साथ साथ 5-5% की मैक्सिमम लेवरेज रखे दोस्तों, इससे ऊपर ना रखे। अगर रिस्क देखिए आप लेना चाहते हो तो वो अपनी इच्छा है आपकी, मैं तो आपको वही सजेस्ट करूँगा 3x-5x ही आप रखें, इससे ज़्यादा ना रखें आप, ठीक है, फीस भी कम लगती है, लॉस के चांसेस भी कम होते हैं। तो मिलेगा दोस्तों अगले पार्ट में, उम्मीद करते वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।